2013 में एक मूवी निकली थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग। ये मूवी एक असल घटना पे आधारित थी और यही चीज इस मूवी को बाकी हॉरर मूवी से अलग बनाती है। इस मूवी का सबसे डरावना कंटेंट है द डॉल। ये डॉल मूवी में कुछ ऐसी दिखती है लेकिन असलियत में ये डॉल ऐसी दिखती है। इस डॉल का नाम है द एनाबेला डॉल और ये डॉल के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर अबाउट द एनाबेला डॉल। एक एंटीक डॉल गिफ्ट करती है। डोना अभी कॉलेज थी लेकिन फिर भी उसे डॉल्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। जब डोना को उसकी माँ ने वे डॉल गिफ्ट की तो डोना ने उस डॉल को अपने कमरे में ले जाकर बेड पर रख दिया और थोड़े समय बाद डोना और एंजी ने ये नोटिस किया कि डॉल अपने आप मूव कर रही है। और ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं उनके साथ रोज होने लगी। जब भी डोना अपने कॉलेज से वापस आती तो वो नोटिस करती कि जहाँ पर उसने डॉल को छोड़ा था वे अभी वहाँ पर नहीं, किसी और जगह पर है। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ती गई और डॉल की पोजीशन का बदलना तो उनके लिए आम सी बात हो गई थी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ये घटनाएं और भी डरावनी होती गई। एक दिन जब वे दोनों शाम को वापस आई अपने रूम में तो उन्होंने नोटिस किया कि वहां पर पेपर के बहुत सारे पीसेस पड़े हैं जिसके ऊपर लिखा था। लेकिन एक रात जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो डॉल है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब डोना ने उस डॉल को ध्यान से देखा तो पता चला कि डॉल पर खून लगा हुआ है। और इस घटना के बाद वे दोनों बहुत बुरी तरह से डर गई और उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया और उस इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि इस डॉल में एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है जिसका नाम है एनाबेला हिगिंस। और उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने उसके साथ बात करने की भी कोशिश की और उसके साथ बात करने के बाद पता चला कि वे एनाबेला डॉल थी, वे जब जीवित थी तो वह वहीं पर रहती थी जहां पर अभी ये दोनों लड़कियां रहती हैं। और उसने ये भी बताया कि वह 7 साल की उम्र में ही मर गई थी। और उसने उस इन्वेस्टिगेटर के थ्रू पूछा कि क्या वह इन दोनों लड़कियों के साथ रह सकती है और उसने ये भी कहा कि वह इन दोनों लड़कियों के साथ सेफ फील करती है। डोना और एनजी के साथ उनका एक फ्रेंड लू भी रहता था और लू का इस डॉल के बारे में शुरू से ही अलग सा ख्याल था। और बाकी सब लोग भी कहते थे कि यह डॉल बहुत ही खतरनाक है और इस डॉल को तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी डोना ने इस डॉल को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वह नर्स की पढ़ाई कर रही थी और लोगों की हेल्प करना उनका काम था। और जब भी लोग कहते कि ये डॉल बहुत ही खतरनाक है तुम्हें इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तब वे कहती कि एक 7 साल की बच्चे की आत्मा को सिर्फ प्यार चाहिए, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह बात आगे गलत होने वाली है। एक रात जब लू अपने कमरे में सो रहा था तो उसकी आधी रात में ही नींद टूट गई और उसने नोटिस किया कि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा और उसको एक बच्चे की हंसने की भी आवाज सुन रही थी। और जब उसने ध्यान से नीचे की तरफ देखा तो उसे पता चला कि यह एनाबेला डॉल है जो उसकी तरफ बढ़ रही है। एनाबेला डॉल उसके पास आकर रुक जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। उसके बाद लोग बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो नोटिस करता है कि एनाबेला डॉल तो अपने कमरे में ही है। और वो ये समझ नहीं पाता कि जो उसने एक्सपीरियंस किया क्या वो सच्चाई थी या फिर वे सिर्फ एक सपना ही था। उसी दिन लू एंड एंजी अपार्टमेंट में अकेले थे और उन्हें डोना के कमरे में से आवाज आई तो उन्हें लगा कि कोई चोर है। और उन्होंने जब जाकर देखा तो वहां पर उस डॉल के सिवा कोई नहीं था। लेकिन लू को लगा कि उसके पीछे कोई है और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। लेकिन लू को अपनी चेस्ट पे एकदम से बहुत सा दर्द महसूस हुआ और जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि उसकी चेस्ट पर 7 घाव के निशान बन चुके हैं और वहां से खून भी निकल रहा है। उसके बाद डोना और एंजी ने सोचा कि 7 साल की बच्ची किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और उन्होंने उस डॉल पर शक करना भी शुरू कर दिया। और उन्होंने इस घटना के बाद फादर हेगन को बुलाया जो कि एक प्रीस्ट हैं। लेकिन फादर हेगन को लगा कि ऐसी स्पिरिट की जांच करने के लिए एक बड़े प्रीस्ट की जरूरत है तो उन्होंने फादर कुक को कॉन्टेक्ट किया और फादर कुक ने आगे एड और
लॉरेन वॉरेन को कॉन्टेक्ट किया। उसके बाद एड उनके घर पर आए और उन्होंने उस डॉल के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चला कि एनाबेला एक शैतान की आत्मा है, 7 साल की बच्ची की। वे शैतान ये डॉन इसलिए कर रहा था क्योंकि वे डोना या फिर उसके किसी दोस्त के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। डोना ने उस डॉल को एड को सौंप दिया और एड जब उस डॉल को अपने साथ अपने घर पर ले जा रहे थे तो उनकी गाड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और एक वक्त ऐसा आया जब उनकी गाड़ी कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उन्होंने उस डॉल पर होली वाटर छिड़क दिया और उस डॉल को शांत। जब वे डॉल उनके घर पर थी तो डॉल की पोजीशन बदलना भी उनके घर पर भी शुरू हो गया। उन्होंने आगे फादर जेसन ब्रैडफोर्ड को बुलाया और जब फादर जेसन ब्रैडफोर्ड उनके घर पर आए तो उन्होंने उस डॉल को उठाया और कहा कि तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस पर एड ने कहा कि आपको ये लाइन नहीं कहनी चाहिए थी और लॉरेन ने कहा कि आप घर जाते समय अच्छे से और ध्यान से ड्राइव करना और घर पर पहुंचकर फोन कर देना। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही डरावना था। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको अभी बता देता हूँ। कुछ घंटों बाद एक फोन कॉल आता है जिसमें वही प्रीत बताते हैं कि एक एक्सीडेंट में वे मरने से बाल बाल बच गए। इसके बाद एड ने ये तय किया इस डॉल के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाना चाहिए और इस वुडन केस में उसको रखकर ऑकल्ट म्यूजियम में रखा जाए और आज भी वे डॉल ऑकल्ट म्यूजियम में रखी हुई है। अभी वे ऑकल्ट म्यूजियम में है और एक वुडन केस में है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे डॉल किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसको उस डॉल को ऑकल्ट म्यूजियम में रखा गया था तो उस कुछ साल बाद एक विजिटर ने उस डॉल का मजाक उड़ाया था तो एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। और जो एनाबेला डॉल है ये दुनिया की सबसे श्रापित डॉल में से एक नहीं है क्योंकि एनाबेला डॉल दुनिया की सबसे श्रापित डॉल है। अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप एनाबेला डॉल को करीब से देखना चाहोगे? आप कमेंट्स में प्लीज बताना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और बस आज के लिए।